रामगढ़ कस्बे के समीप सागर मैरिजहॉम और नंगा की जोहड़ के सामने सड़क के दूसरी तरफ सरसों के खेत में गौ मांस मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने मौका मुआयना किया और गौ मांस को जांच के लिए जब्त किया। इधर गौ मांस मिलने पर हिंदू धर्म प्रेमियों को मालूम चलने पर सैकड़ों की संख्या में एकत्र हो आक्रोश जताने लगे। अनेक हिंदू संगठन और धर्म प्रेमियों द्वारा क्षेत्र में हो रहे गौ अत्याचार पर अंकुश लगाने और गौ हत्या करने वालों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर रामगढ़ विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष जवाहर तनेजा और पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता के नेतृत्व में डीएसपी कमल सिंह मीणा, थाना अधिकारी रामनिवास मीणा और एसडीएम कैलाश शर्मा को ज्ञापन सौंप शीघ्र कार्यवाही की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की तो मजबूरन हिंदू संगठनों को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। ज्ञापन देने के दौरान देवेंद्र दत्ता उर्फ संटू, जवाहरलाल तनेजा, मोती रितेश कुमार, गौरव भगत सिंह, श्यामलाल शर्मा, सुरेश नरेंद्र, रवि कुमार, पंकज सहित अनेक हिंदू धर्म प्रेमी मौजूद रहे। ग्राम रामगढ़ में नंगा के जोड़ के पास गुलरबास में सुबह एक गाय के अवशेष कटे हुए मिले, जिसमें सिर था और उसका पैर था। गाय को तीन चार खेत घसीटा गया, उसकी निर्मम हत्या की गई, उसकी आंत उजड़ी। वहीं मौके पर पुलिस को बड़ी मिली, हम सब गए, हिंदू भक्त सब वहां पहुंचे और वहां पर उसका सिर मिला, उसका पैर मिला। लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, गायों की जो हत्याएं हो रही हैं, जब से ये शासनकाल आया है, गहलोत जी की सरकार आई है, इन गायों की रक्षा के लिए कोई भी प्रबंध नहीं हो रहे हैं। जितनी भी गाय और ये बिनजार यहाँ रामगढ़ क्षेत्र में अब हैं, उनमें भी कम से कम 15 से 20 चोटिल हैं। लगातार उन पर वार किया जा रहा है, कभी कुल्हाड़ी से वार कर रहे हैं, कभी फरसी से वार कर रहे हैं। बार बार प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, मगर प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। आज जो ये घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना है कि गाय की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। पूरे तीन चार खेत तक उसका खून ही खून फैला हुआ है और आज से 5 दिन पहले भी उसके बगल वाले खेत में भी ये घटना हुई। क्योंकि ये है कि पुलिस की रात्रि गश्त रहती है, रोड के नज़दीक था, तो फिर ऐसा घटनाएं क्यों हो रही हैं? लगातार ऐसी घटनाओं से जो हमारे हिंदू धर्म है, इसकी भावनाएं बहुत भावनाओं को आघात लग रहा है। अगर ऐसा चलता रहा, प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हिंदू धर्म बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में एक ऐसी कार्रवाई करेगा जिसका मुंह तोड़ जवाब स्वयं प्रशासन को छोड़कर अपने हाथ में लेगा और इसका जवाब देगा। ज्ञापन दिए, आज ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, थाना अधिकारी जी को दिया है, डिप्टी साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया कि बार बार इन घटनाओं को प्रशासन रोके। लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, घटनाएं होती जा रही है। अब ये हमारा जो ज्ञापन का सिलसिला है लगातार चल रहा है, इतना आक्रोश फैल चुका है कि अब हमने सोच लिया अगर अब की बार ये घटना हुई तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी अपने स्वयं के ऊपर रखे, क्योंकि इतना बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो प्रशासन भी नहीं सोच पाएगा। इसका घटना ये हुई नंगा के जोड़ से पहले सर्विस स्टेशन में, एक उसके बगल में से रहा है श्यामलाल जी का खेत है, श्यामलाल शर्मा जी का। वहाँ पर कोई रात को उनको कसी हो गई, जैसे ही वो श्यामलाल जी सुबह पानी देने के लिए वहाँ पहुँचे खेत में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक गाय कटी हुई पड़ी है, जिसकी मुंडी अलग है, पैर अलग हैं, मांस के टुकड़े अवशेष खून अलग हैं, सब चीज़ें पड़ी थी। उन्होंने जब हम लोगों को सूचना दी थी, हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पर देखा, उसके बाद पुलिस प्रशासन को बुलाया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उसका सिर और पैर और उसका जो बीच का धड़ है वो बरामद किया। सर, आज एक हमारे नंगा के जोड़ के बगल में एक रास्ता जा रहा है श्यामलाल जी के खेतों के पास, वहाँ पे सुबह सूचना मिलती है कि एक गोवंश का सर काट के फेंक रखा है और पूरे खेत में खून हुआ पड़ा है। ऐसा लगता है कि वहीं पे हत्या की गई है, उसके बाद खून पूरे पूरे एरिया में मट्टी से खूनों को दबाया गया है, किंतु वो फिर भी सफर दिखाई दे रहे हैं और सर एक तरफ काट के फेंक दिए गए हैं और पैर एक तरफ फेंक दिए गए हैं। पुलिस को पता लगा इस घटना की? पुलिस को हमने खुद ने सूचना की है और मौका मुआयना करके उन्होंने कपड़ों के थैलों में और जो भी अवशेष बचे हैं उस जीव के, वो सारे पुलिस को प्रोवाइड करवाए हैं। हमारे रामगढ़ में ये घटनाएं अब तो बिल्कुल आम हो चुकी हैं। हर आए दिन ये घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। जीवों के सर अलग कलम करके अलग पटक देते हैं और बाकी उसके मांस को बेच दिया जाता है। लगातार यहाँ भगवानों में रोड किनारे और उनको बेचा जाता है, जिसको प्रशासन को कई बार कहा गया है, परंतु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई सुनवाई होती है। और अगर हिंदू समाज खुद अगर खड़ा हो गया तो उसका जिम्मेदार फिर प्रशासन होगा, या तो इसमें रुकवाई कराई जाए।